तैयार हो? से जो दूर मारेगा वो ही लेकर आएगा। ठीक है बिनू, श्याम यूं गया और यूं आया। अरे ठीक से धो। वो क्या था? राका, ये। अरे ये तो मेरी बॉल है। अच्छा, तो ये तेरी बॉल है जिसने हमारी ये हालत की। तुझे तो मजा चखाना पड़ेगा। ये श्याम वापस आ गया। हा? बॉल का है? बहुत हुआ खेल, अब वापस चलो। शांत हो जाओ श्याम, तुम्हारा फोन मिल जाएगा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। हाँ, मुझे पता है फोन कहाँ होगा। हाँ? चल बोल, कहाँ है मेरा मोबाइल? ए श्याम के बच्चे, क्या बकवास कर रहे हैं? हम क्यों छुपाने लगे तेरा मोबाइल? हाँ श्याम, किसी पर भी बिना सबूत के इल्जाम लगाना गलत बात है। जब मैं बॉल लेने आया था तब मेरा फोन यहाँ गिर गया होगा। आना, जरा वो बैग तो चेक कर। ये मैंने पहले ही कहा था, किसी पे भी बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। क्या कहा? शाम सच में शर्मिंदा है, वो तुम्हारी माफी के लिए कुछ भी करेगा। आपने कहा था ना एक नया स्टूडेंट आएगा, तो वो अब तक आया क्यों नहीं? आता ही होगा, थोड़ा सबर करो। नाम क्या है इस नए दोस्त का? श्याम। गुरुकुल में तुम्हारा स्वागत है। ओह प्लीज, मुझे सैम कहिए। सैम, आओ तुम्हें इस गुरुकुल के स्टूडेंट से मिलवाता हूँ। ये मेरी बेटी मीना, ये उन्नी और अमी, और ये बीनू। हेलो, मैं हूँ तुम्हारा नया दोस्त। क्या मुझे ये कपड़े पहनने होंगे? सैम, प्रैक्टिस करते वक्त ये कपड़े सबसे आरामदायक होते हैं। फिलहाल तुम लंबा सफर करके आए हो, थोड़ा आराम कर लो। यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। श्याम शहर से आया है, उसे इस जगह और यहाँ के लोगों को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब जाओ और उसे गुरुकुल दिखाओ। मिल गया नेटवर्क। हेलो मॉम, आपने मुझे कहाँ भेज दिया है? कितनी बोरिंग जगह है, ना मोबाइल नेटवर्क ना प्ले स्टेशन, और यहाँ के लोग भी मुझे पसंद नहीं है। अगर उसे यहाँ के लोग पसंद नहीं तो हमें भी वो पसंद नहीं। तुमने 3 दिन प्रॉमिस किए थे ना? यस मॉम, याद है, मगर सिर्फ 3 दिन। अगर मुझे ये जगह और यहाँ के लोग पसंद नहीं आए तो मैं 3 दिन बाद लौट आऊँगा। उसके ये 3 दिन अब हम खराब करेंगे। ये तो वही पैतरा है जो मेरे फेवरेट वीडियो गेम का सुपर हीरो करता है। घमंडी और मतलबी बच्चों से मिलकर तो ये आज यहाँ से भाग जाएगा। हमारे गुरुकुल के नए स्टूडेंट से मिलो, ये श्याम है और ये शहर से आया है।
शहर का लड़का है। मुझे अपना फोन तो दिखाना शाम, इसमें गेम्स हैं? हाँ हाँ, इसमें बहुत सारे गेम्स हैं। ये देखो मेरा फेवरेट जिप लाइनिंग का गेम। ये तो हम रोज करते हैं। हमारे साथ जंगल चलो, हमने वहाँ एक जिप लाइन ट्रैक बनाया है। क्या सच में? हाँ। कितना हुआ? 9 रुपया। ये लो 10 रुपए। और बाकी का? पर भैया 10 रुपये 9 रुपये से ज्यादा होते हैं। ये क्या कह रही है? 10 रुपए 9 रुपए से ज्यादा होते हैं? आज जिंदगी में पहली बार सुना है ये। मुझे पागल समझा है क्या? चलो। ये गंजू पहलवान तो पूरे गांव में सबसे तंदुरुस्त है, फिर इसे क्या दवा चाहिए? वह जी, सब कोशिश कर ली पर सिर पर एक भी बाल नहीं होगा। सिर पर बाल घने और काले उगेंगे। बात कुछ अजीब है। जानती हो माँ, गांव में एक वैद्य आए हैं जो ये कहकर लोगों को दवा दवा नहीं जादू है, जादू इन पुड़ियों में है। माँ तुम भी? पर तुम्हें क्या हुआ? वैद्य जी ने कहा उनके इलाज से मेरा वजन झट से कम हो जाएगा। ये तो चिंता की बात है, हसमुख वैद्य के खिलाफ कोई कुछ सुनना ही नहीं चाहता। उसके बारे में वापस आकर सोचते हैं। ये यहाँ कागज क्या रखा है? पास के गांव का सूचना पत्र है। सावधान, ये ठग जिसका नाम बिरजू है, अगर आपको कहीं दिखे तो उसे पकड़वाने में मदद करे। वैसे इसके बाल तो अपने राजू जैसे ही है। लो अभी बदल लेता हूँ। ये तो जच नहीं रहा, मैं बनाती हूँ। दूरा सा लग रहा है। हाँ, दाढ़ी मूछ की जरूरत है। ये तो बिल्कुल हसमुख वैद्य जैसा दिखने लगा। चलो। कहो, किस तकलीफ का इलाज चाहते हो? ऐसे नहीं बता सकता, शर्म आती है। आपके कान में बताऊंगा। देख लो गांव वालों, ये कोई वैद्य नहीं, ये है बिरजू ठग। पता चल ही गया है तो ये भी पता होगा कि बिरजू ठग डंडा चलाने में कितना माहिर है। तेरा भी इलाज करता हूँ। मुझे उसकी जरूरत नहीं, मेरी दवा तो मेरे पास ही है। Ah!
महंगाई का इलाज है मेरे पास। अब दवा नहीं तो हमें कसरत ही करनी पड़ेगी।